भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का काफी ज्यादा घातक विस्फोटक मुकाबला। यहां पर सूर्य कुमार यादव और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया। जब भारतीय टीम हार के कगार पर खड़ी थी तो ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव की बल्ले ने मैदान पर ऐसा कहर बरसाया कि पाकिस्तान की गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम की धज्जियां उड़ा कर रख दी। घातक से घातक विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज यहां पर भारतीय टीम के सामने रोते विलखते नजर आए। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम के रोंगटे खड़े हो गए। इनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल देखकर कोच राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी भी देखकर हैरान रह गए। कुछ देर तक कोच राहुल द्रविड़ को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप 2024 के वार्म अप का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी पाकिस्तान के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया। जहां पर पाकिस्तान की टीम ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर काफी देर तक कहर बरसाया और आप सभी को बता दें कि यहां पर 212 रन ठोक करके 20 ओवर में जो है सिमट गई। जी हां, पूरे के पूरे 20 ओवर खेलकर 2 विकेट के नुकसान पर 212 रन बना दिए। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 213 रनों की जरूरत थी। भारतीय टीम के घातक हुंकार विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ही एक ओवर में शानदार तरीके से 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए और काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले यशस्वी जायसवाल पहले ही दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए तो मैदान पर एक घातक विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था विराट कोहली। जी आप सभी को बता दें कि विराट कोहली ने मैदान पर कदम रखते ही तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। यशस्वी जायसवाल ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए और वहीं पर विराट कोहली ने आकर के बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी की विरासत न कर पाए वो हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने अपने बल्ले को लहराते हुए काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में आप सभी को बता दें कि छठवें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार कप्तान रोहित शर्मा काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में अच्छी लहर में बल्लेबाजी कर रहे थे और पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम को जम करके धो रहे थे। तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा सातवें ओवर की 4वीं बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए। कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर एक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या काफी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर बल्लेबाज है जो गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी तक जो है घातक विस्फोटक बल्लेबाज है। हार्दिक पांड्या ने यहाँ पर 8वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए और काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी जम करके की। हार्दिक पांड्या ने यहाँ पर 9वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 5 छक्के और 1 चौका ठोक दिया। तो वहीं विराट कोहली का भी बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम को जम करके धो रहे थे। इनकी बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था। भारतीय टीम का स्कोर काफी ज्यादा स्लोली बढ़ रहा था, कोई फास्ट स्कोर नहीं था क्योंकि हार्दिक पांड्या खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज 12वें ओवर की 4थी बॉल पर मैच 21 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड हो गए। हार्दिक पांड्या, जायसवाल और रोहित का आउट होने के बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था शिवम दुबे। आप सभी को बता दें कि शिवम दुबे काफी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज है, CSK की तरफ से कई बार भारतीय टीम को ट्रॉफी जिताई है। आप सभी को बता दें कि शिवम दुबे ने मैदान पर आते ही छक्के से शुरुआत की और अपने बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में बल्ले को लहराते हुए काफी तूफानी विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। शिवम दुबे का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरजने लगा। शिवम दुबे ने यहाँ पर 14वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। भारतीय टीम के घातक विस्फोटक शेर काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन भारतीय टीम का स्कोर उतना हाई लेवल पर नहीं बढ़ रहा था। लेकिन जब घातक विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे भी आउट हो गए 31 रन ठोक करके तो मैदान पर रोहित शर्मा का साथ देने के लिए खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज आया, यानी कि विराट कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था सूर्य कुमार यादव। सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है जो मैदान पर डटकर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। सूर्य कुमार यादव को यहाँ पर आप सभी को बता दें, सूर्य कुमार यादव अगर एक बार पिच पर मैदान पर टिक गया तो अकेले ही 200-250 रन बनाने की क्षमता रखता है। भारतीय टीम लगभग 80 रनों से दूर
थी और ओवर भारतीय टीम के पास मैच 3 रह गए थे। जी हाँ, 18 गेंदों पर 80 रनों की जरूरत थी और भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतना काफ़ी ज़्यादा बेहद ही मुश्किल लग रहा था। लेकिन फिर भारतीय टीम के घातक हुंकार विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों को जम करके दौड़ाला। पाकिस्तान का जो भी गेंदबाज मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आ रहा था वो सूर्य कुमार यादव के बल्ले के आगे चकनाचूर हो रहा था। सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था, तो वहीं विराट कोहली को लेकर के भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लग गया। जब विराट कोहली तूफानी विस्फोटक अंदाज में अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और जीत से काफ़ी अभी भारतीय टीम दूर थी, लेकिन विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर एक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर विकेट कीपर के रूप में एक घातक विस्फोटक बल्लेबाज जिसका नाम था ऋषभ पंत। जी आप सभी को बता दें कि ऋषभ पंत काफ़ी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज जिसने सूर्य कुमार यादव का साथ देते हुए मैदान पर तूफानी विस्फोटक अंदाज में अच्छी लहर में बल्लेबाजी की। सूर्य